सो हेलो गाइस, वेलकम विद द न्यू वीडियो। और इस वीडियो में आपको ना NSB भाई की तरह एक फ़ोटो एडिट करके दिखाऊंगा। मतलब तरह क्या, उन्हीं का एक फ़ोटो एडिट करके दिखाऊंगा। तो कई सारे लोग बोल रहे थे कि बताओ इस वाले फ़ोटो का एडिट करो, किसी ने मुझे बोला था। तो मैं इस फ़ोटो का एडिट करूँगा उन्हीं की टोन में। तो मैंने लिंक उनका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उनके यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हो। काफ़ी मस्त मस्त पिक अपलोड करते हैं वो इंस्टाग्राम पे। तो इस वाले फ़ोटो में को एडिट करूँगा, देख सकते हो कितना ज़्यादा ब्लैक टोन है पैरों पे, देख सकते हो। और हैंड्स वगैरह भी काफ़ी, तो इसे को फिक्स करेंगे, इधर जाएंगे, शेडोज़ को अप करेंगे, इधर शेडोज़ बहुत कम है, कंट्रास्ट 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 को थोड़ा सा ऐड करेंगे, इधर ब्लैक्स को फिक्स करेंगे, हाइलाइट्स सही लग रहा है, बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो, लाइटिंग बहुत सही हो चुकी है अपने फोटो में। कप्स में जाएंगे, कप्स में जाने के बाद में शेडोज़ को अप करते हैं, पहले शेडोज़ फिक्स हो चुकी हैं जहाँ तक है, ब्लैक्स थोड़ा कम हो चुका है, इसे सही करेंगे। फेस देख सकते हो, फेस थोड़ा सा पहले से हो चुका है, बाकी का इधर करेंगे। वाइब्रेंस से अपने कलर को एनहेंस्ड करेंगे, पहले टेंट को प्लस की साइड में करेंगे, मजेंटा की तरफ, और टेम्परेचर को माइनस सिक्स कर लेते हैं, सही है। वाइब्रेंस को थोड़ा फिक्स करते हैं, तो सही है। और अब ग्रीन को करेंगे येलो, जैसे जब माइनस की साइड में लेके जाओगे -100 तो वो येलो टोन आ जाएगी। और क्लोथ को करते हैं टील कलर में, तो सही है। इसको सैचुरेशन को डाउन करते हैं, सही है इतना, सही है। इसका स्किन का कलर थोड़ा ब्राइट करते हैं, इतना सही है ल्यूमिनस। और देख सकते हो कितना पहले से स्किन ब्राइट हो चुकी है अपनी, येल्लो को थोड़ा बहुत सैचुरेशन कम करते हैं, इतना सही लग रहा है। अप करते हैं, अप पे ज़्यादा एनहेंस हो रहा है येल्लो कलर, तो हमारा मोटिव ही यही है येल्लो टोन में फोटो, तो अब सही है, देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर। इसके बाद में ना क्लियरिटी को ऐड करते हैं फ़ोटो में, काफ़ी अच्छा क्लियरिटी आ चुकी है, HDR लुक आ चुका है अपनी फ़ोटो में। शार्पनिंग को 20 करते हैं, देखो शार्प हो गया कितना फ़ोटो। इसके बाद में 10% बैटरी इग्नोर करना। इसके बाद अपनी स्किन्स देख सकते हो कितना ज़्यादा डार्क है, तो इसके ऊपर एक सेलेक्टिव टूल का इस्तेमाल करके ऐसे बना के इसे ब्राइट कर देंगे स्किन को, और तो ब्लैक्स को थोड़ा सा कर देंगे जिससे कि थोड़ा टेक्सचर आ जाए, इतना सही है। टेक्सचर को माइनस की साइड में लेके जाएंगे जिससे कि स्मूथ हो जाए स्किन, ऐसे इधर भी करेंगे। तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, इतना सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद में लाइटिंग्स में जाके एक्सपोजर को प्लस साइड में कर देंगे, कंट्रास्ट को थोड़ा कम, और जैसे जैसे है उसका लाइटनिंग के हिसाब से उसे कर देंगे। ऐसे ही हैंड पे, हैंड को सेलेक्ट करता हूँ, एक्सपोजर को प्लस की साइड में थोड़ा, कंट्रास्ट को माइनस, और सैचुरेशन को थोड़ा बढ़ा लेते हैं, हाँ सैचुरेशन बहुत कम है। टेम्परेचर को प्लस की साइड में करता हूँ, सैचुरेशन थोड़ा सा माइनस। अब से ऐसे हैंड को करते हैं इस वाले को, तो यही है। अगर आपको अगर स्किन को ऐसे स्मूथ करना है तो इसकी क्लियरिटी और टेक्सचर को थोड़ा माइनस की साइड में कर देना, जिससे कि स्किन भी स्मूथ हो जाएगी आपकी। तो मैं फेस सेलेक्ट कर चुका हूँ, ऐसे मैं फेस पर करूँगा, एक्सपोजर को थोड़ा प्लस की साइड में लेके जाऊँगा, और कंट्रास्ट को थोड़ा कम, ब्लैक्स को थोड़ा सा ब्लैक ज़्यादा लग रहा था फेस में, अब सही है, प्लस की साइड में सैचुरेशन थोड़ा कम फेस में, और देख सकते हो कितना मस्त लुक आ चुका है अपने फ़ोटो में। इधर से जितने भी ये पिंपल्स वगैरह ने सेलेक्ट करेंगे, इनका टेक्सचर कर देंगे फुली माइनस की साइड में, देख सकते हो पहले से ज़्यादा पिंपल वगैरह हट चुके हैं। अगर आपको एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए स्मूथ के ऊपर तो मैं ले आऊँगा, कॉमेंट कर देना। तो देख सकते हो ऐसे ऐसे कर सकते हो आप, बेसिकली इसे सेलेक्ट करना है और इधर से जाके इसका टेक्सचर फुली डाउन। अगर आपको और भी लगता है तो एक बार और कर सकते हो ऐसे ही, क्लियरिटी को भी थोड़ा सा कम कर दोगे तो और भी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी स्किन। तो काफ़ी सही हो चुका है अपना फ़ोटो पहले से, आप लोग देख ही सकते हो। लिप्स पे आएंगे, थोड़ा सैचुरेशन अप कर देंगे, अब देख सकते हो मस्त बन चुका है अपना फ़ोटो पहले से। अब इस तरह की साइड में एक और ऐसा सर्कल बनाएंगे जैसे कि लाइटनिंग लगे इधर की साइड से आ रही है, तो फ़ोटो का भी सही लगेगा, सही है। तो इसके बाद में कलर ग्रेडिंग जो रह जाता है मेन पार्ट,
इसका हाइलाइट्स चेक करेंगे कहाँ पे ज़्यादा सही आ रहा है, तो मैं इसे ऑरेंज में रखूँगा, ऑरेंज सही लग रहा है हाइलाइट्स। और यहाँ से आप सैचुरेशन बढ़ा घटा भी सकते हो नीचे की साइड से, तो बिफोर एंड आफ्टर में देख सकते हो तो मस्त लुक आ चुका अपने फ़ोटो में। तो यही ऐसे सेव कर लेंगे और लेट्स सी अपना फ़ोटो कैसा बन चुका है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, मेक श्योर इस चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब किए बिना तो मत जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।